राधे राधे। रुक जा रुक जा रुक जा, है ही नहीं कुछ, खोल के देख। इसमें वजन है पूरा। ले भाई, बाल तो कर रहा है, आने चाहिए भाई। उठ गए, 4:30 हो गए। कितने बजे सोए थे हम? 12। आप साथ में? मैं तो सोया था 3 बजे एडिट करने के बाद। 4:30 बजे उठा दिया, 4:30 हो गए। वैसे तुम्हें किस पे से है? हां, तुमने हां एडिट करके फिर यार वो ज्यादा लगा एडिट कर। यार एडिट करने में टाइम लगे, कर लिया सीखा, लेकिन पूरे ना तुम्हें पता इंटरनेट की बहुत कमी है। फिर फोन नाल अटैच करके, भाई फोन के साथ अटैच करके फिर अपलोड की वीडियो। फिर जाके 3:30 बजे मैं बस उसको थोड़ा लेटता था, फिर देखता था, लेटता था फिर देखता था। ये सोना तो टाइम ही होता है, जो मर्जी हो जाए टाइम ही होता है। महाराज उठे हो? मैं भाई 1 बजे सो लो, रजाई लेके बैठा हूं। मैं कहा मैं रजाई लेके बैठे हैं, हम अपने तिलक कर रहे हैं सारे। जाओ हम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम ठंड हम ठंड था लोग ठंड का के और लेट हो गया था रेडी होने में, भी नहाया धोया उसके बाद सारे लोग तो नीचे चले गए दर्शन करने के लिए। अब मेरी बारी, अब मैं जाके आता हूँ फिर। उसके बाद प्रसाद तो शायद बाहर ही लेंगे और दर्शन करने चलते हैं। बस 6 बजे निकलना है हमें। तो चलो भाई अपना सामान हो गया पैक, अब निकलते हैं। हरे कृष्णा जी, मठ से परिक्रमा करनी है, सुबह हो रखी है, अभी 6 बज रहे हैं पूरे। आपको मैं दर्शन भी करवा देता हूँ फटाफट। हम दर्शन ओपन होता है इतनी सुबह, मैं किसी मिला भी इन सब सच्चे उससे भी नहीं मिला। पता है नींद आज भी मैंने 1-1.5 घंटे के लिए, और 1 मिनट में आकर नींद उड़ जाती है, गायब हो जाती है। महाराज जी कह रहे हैं टाइम ना लगाओ, लेट हो रहे हैं। सब सच्चे प्रभु, अब तो दिखेंगे भी, फेस नहीं दिखा, अचानक ही मिल गए। तो सब लोग खुलते ही हम निकलते हैं, परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन आपको भी करवाता हूँ। चलो भाई, गाड़ी अभी स्टार्ट कर दी है, मैं भी चलाऊँगा, मामा भी चलाएँगे। उसमें स्टार्ट करने आया था, थोड़ा इंजन गर्म हो जाए फिर चलते हैं यहाँ से। ये मठ है भाई, फिर कभी आगे ना प्रॉपर दर्शन करवाऊंगा। आज तो मैं करवा नहीं पाया, जल्दी जल्दी जाना है। कर लो बैठक का मतलब है कि कर लिया करो। कभी तो डांटने के लिए फोन कर दो। चलो भाई निकलते हैं। प्रभु जी को पता था मैं क्या थी ना, दूध गाय का आंदा है। प्रभु जी ने मैंने बोला था दूध गाय का, सोच रहे थे लेके रखेंगे। भाई जब भी आता हूँ ना, जय महाराज, जब भी आता हूँ ना भाई यहाँ पे प्रभु जी अरेंज करते हैं गाय का दूध। गाय का दूध आता है जैसे, जब मैं आता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा मंगा लेता हूँ। जिक्र मैंने बोल दिया था दूध वाले को, मेरे को तो नहीं पता जल्दी चले जाएंगे। अभी गाड़ी यहाँ पर रुकी है, अभी गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं। ये सारा गिरिराज जी, गिरिराज पर्वत है, यहाँ से हमारी परिक्रमा स्टार्ट होती है। अभी हम पहुँचे हैं गाड़ी में, परिक्रमा कर रहे हैं। अभी हम पहुँचे हैं पिछली का लौटा, ये लिखे वाले को उशरी का लौटा। अभी हम पहुंचे हैं तीर्थ आश्रम, है ना। यहाँ पे ये मठ है, गौड़िया मठ है, इस रूट से आए हैं हम। अभी अभी मामू हमने कौन कौन से दर्शन किए बताओ जरा, इधर इधर मुख के बताओ। अभी हमने जो दर्शन किए हैं वहाँ पे गोविंद कुंड के, एक तो गोविंद कुंड के दर्शन किए हैं, नवल कुंड के, नवल कुंड के, और उशरी का लौटा, उशरी के लौटा के, अप्सरा कुंड के दर्शन किए, अप्सरा कुंड के दर्शन किए, नरसिंह भगवान के मंदिर के दर्शन किए, और उशरी के लौटा महाराज जी के दर्शन किए। बस इस बार थोड़ा सा जतिपुरा के दर्शन किए, जहाँ पे सबसे पहले भगवान को भोग लगाया गया। और इस बार हम बड़ा जल्दी में हैं, इसलिए गाड़ी में ही कर रहे हैं फटाफट, वरना हम करते हैं पैदल। ये भी मठ है, तो अभी हम आए हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे ये सारी परिक्रमा मार गए, यहाँ से परिक्रमा जाती है पैदल। यहाँ पे वानर बहुत हैं, इसलिए एक तो केले की रेडी खत्म हो गई है, एक है यहाँ की। तो रज लगाना भी बहुत पवित्र है। पहले वैष्णवों को प्रणाम, फिर ठाकुर जी को प्रणाम। आपको पता है वृंदावन में हर कोई आ जाता है। वृंदावन में आने के बाद मानो फायदा तभी आ रहा जब वैष्णवों का संग मिले, तभी तभी फायदा ही दर्शन होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। हम घूम के चले जाते हैं या कुछ कर लेते हैं, नहीं। जब तक वैष्णव नहीं मिलते ना, तब तक बुद्धि नहीं सुधरती। और दर्शन आँख से नहीं, दर्शन कान से होता है, समझे। ये बहुत बड़ी और डीप बात है,
कि दर्शन आंख से नहीं होते, दर्शन कान से क्यों होता है? क्योंकि जब तक जिस स्थान में जाएंगे वहाँ वैष्णव उस स्थान का महिमा सुनाएंगे, कान से श्रवण करेंगे, तब तो आंख से दर्शन होगा कि एक्चुअल में क्या चीज है, क्या है। नहीं तो आंख से दर्शन ऊपर ऊपर से करके चल रही है, दर्शन कान, एक्चुअल में दर्शन किसी भी वस्तु का कान से होता है। बहुत गहरी बात है, इसलिए वैष्णवों का संग बहुत ही जरूरी है। हमारे साथ तो साक्षात वैष्णव है। अच्छा खासा पोहा दे दे माता जी, बस सिंपल तरीके से 200 परोठे दे दो, इतना मुश्किल परोठा तो मुश्किल है मामू। बताओ माता जी बेचारे सेवा कर रहे हैं अभी, भूख लगने तो लगी, सबको ही लग रही है भूख तो। खैर मामू नहीं तो इधर आओ, इधर आओ, परोठी बना दो पतली पतली, सब तो औखी लग रही है परोठी बनाने। दो माता आई है बड़ा पोहा, सब तो ईजी है, कहते बस दो परोठी बना दो माता जी, कोई गल नहीं यार, भूख तो सच्ची लग रही है, भूख तो लग रही है। मामी ड्यूटी लाती है बनाने, लेकिन माता जी और भी बना रहे हैं। मैं बना रही थी तो वो तो दून बनाई नहीं, वो तो आवाज आ रही है मैं। अच्छा तुसी बना रहे थे? सॉरी सॉरी मैं, ओ यार सॉरी, मैंने पता नहीं लगा मामू बना रहे थे यार। अच्छा तुसी बनाए हैं? अचार नहीं बनाया मैंने, परौठी बना रहा था। ओहो परौठी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा हुन 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 आ जाओ, हुन आ जाओ, हुन आ जाओ, हुन आ जाओ। सॉरी यार मैं भूल गया था, मैंने मैं माता जी ने बैठे, मैं इतनी अच्छी परौठी बनाई। लेकिन नहीं यार, मामू बहुत बढ़िया बनाते हैं खाना यार। ये सौभाग्य ना पता नहीं, मुझे दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए। हाँ जी देखो साहिब, साहिल प्रभु, ठीक है, इस करके साहिब साहिल ना बोलियो कि गलत बोल रहे हैं। मुझे दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए कि हम परम वैष्णव के साथ बैठ के थोड़ा प्रसाद प्रसाद पा रहे हैं, है ना वो? बिल्कुल, बस मैं फिर भी दिखा रहा हूँ आपको, फिर भी आ रहे थे। सही बात है, हम ने एक बात बोल दिया, कह रहे यहाँ पे आके ना हमारी नहीं चलती, चलती है श्रीमती राधा रानी की। प्लान हमारा कुछ और था, लेकिन अभी हम उनके आशीर्वाद पे प्रसाद पा रहे हैं। तो वो देखो मामू के पीछे जा रहे हैं ब्रज के डॉग्स। ओ गैया, मैं भी जाके, हम रुक जाओ, मैं भी आ रहे हैं। गैया गैया मामू मैंने दे, मैं भी कर रहा। ओ पैकिंग तो भी बड़ी तगड़ी है, खिलाओ एक एक पैकिंग, खोल खोल लियो। रुक जा रुक जा रुक जा, है ही नहीं कुछ, खोल के दे। हाँ ये खोल के दो, आलो आलो इन्हें छोड़ो, रुक रुक, ओए 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 ओए, मेरा हाथ भी चप गया भाई, मेरा हाथ भी चप, ये लो ये लो, इला आलो आलो दम। हाँ हाँ ओ होए, दंदी मारी दंदी मारी दंदी मारी यार, दंदी मारी, और है ही नहीं माता, और नहीं है, और नहीं है, और नहीं है, और नहीं है माता, नहीं है, है ही नहीं, कुछ नहीं है। तकिला करता गई माता ने, भाई देखो वो तो दांत मारती हैं, बर्दाश्त हो जाता है, क्योंकि गई माता तुम मारोगे ना तो टीके पेट के अंदर लगेंगे। यहाँ पे हम महाराज जी का सामान रखने आए थे, हमें पता नहीं था हम प्रसाद पाएंगे, इसलिए हमारी कुछ प्लान नहीं होता, हम जो करते हैं ना भाई। वो महाराज ने बहुत एक लाइन अच्छी बोली थी, करे कराए आपको आप, मेरे को पता नहीं मानुष के ना कुछ भी आप, कुछ ऐसा था मेरे को नहीं पता था होता है कुछ। वो कहना अर्थ होता है ऐसे भी, ए, ए, वो अपने आप करना कुछ नहीं होता, वो अपने जो आप वो आप है वो ही आप करते हैं, वो ही करवा रहे हैं आप, उसका अर्थ ऐसी है। मामू आ जाओ, आन दो आन दो आन दो। अभी हम पहुंचे हैं राधा कुंड श्याम कुंड, और चंद्र आगे आगे रात को भाई, ऐसी गोवर्धन की गलियों से लेके गए थे, अब नहीं आ सकती गाड़ी। चीज़ ना थोड़ी बहुत वधिया लगती है कि लैनी आप होंगी, मंगवाई है किसी ने, लैनी आप होंगी है? मैं क्या लेना आप होंगे किलो, मतलब कंठी, आह डायलॉग अच्छा लगता है, मंगवाई है किसी ने, मंगवाई है। मैं इन्ने साल हो गए मामू यार, सच्चे मंगवाई है तेरी, ये तो मंगवाई है, कसम पूछ ले, कसम ना खा, ये तो मंगवाई हुई है। अच्छा ये मंगवाई है, तो काल भी पूछ मंगवाई, मैं किलो भाई किलो लेके जानी है मामू ने कंडियां, बट मेरे को पता है मामू का डायलॉग यही होता है कि भाई मंगवाई है किसी ने, कहने आ तो सच्ची मंगवाई है। ये सिलेंडर ऐसे जाते हैं यहां पे, ओ ब्रज की गलियों में घूम रहे हैं हम, द द द दाहिने 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 कुंज बिहारी दाहिने, मुझे ना पहले दायना बायना आता नहीं था, अब समझ में आ गया, द
राइट ब लेफ्ट द ब। अब आ गया गौड़िया मठ। ओ इधर तो हम हो गई है मेरे ख्याल तो, जो पत्थर पत्थर तैर था यहाँ पे जब सेतु बंधन हुआ था। हाँ जी, भगवान राम जी ने वो जो पुल बनाया था समुद्र के ऊपर, उसका एक पत्थर, हाँ, जो 10 किलो का पत्थर मैंने देखा था, वो अभी भी पानी में तैर रहा है। मैंने भी देखा था लास्ट टाइम। हाँ वो रहा, वो अभी भी पानी में। कहाँ पे है ये दिखाओ, मैं तो बहुत क्लोज से देखा था। ये मैंने लास्ट टाइम मतलब बहुत साल पहले आया था, तो यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने हाथ लगा के देखा था। देखो आपको पता है अगर ये यहाँ पे ऐसे मांग रहे हैं ना, पीछे पड़े हुए हैं, जैसे काफ़ी टाइम से पीछे पड़े हुए हैं ये, इसको भी अगर हमने डांट दिया या गुस्सा कर दिया ना, ये भी पाप में नहीं आएगा, ये अपराध में आ जाएगा। और पाप अपराध का डेफिनेशन अलग अलग है। अब जैसे पीछे पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, तो इसको डांटना नहीं है। अब मामू देख लो शांति से चल रहे हैं, उन्हें बोल नहीं रहे कुछ भी, पता है ना कि अपराध हो जाएगा। तो बस ये है, इधर अगर आओ तो अपराध मत करना कभी भी किसी को, चाहे रिक्शे वाला है कोई भी है, किसी को डांटना नहीं है, कोई कुछ भी बोले सुन लो, ठीक है। आजकल बर्दाश्त नहीं होता लोगों से, तत्ता ब्लड चक्की फिरते हैं वाला। ये राधा गोपीनाथ का टेंपल। हम महाराज जी को बोल रहे, महाराज जी चश्मा चश्मा। महाराज जी कह रहे यहाँ के बानर लेते नहीं चश्मा, यहाँ पे छीना छपटी नहीं करते ज्यादा, लेकिन वृंदावन के भाई ये चश्मा प्रभु जी कह रहे 2 साल में 2 को, 2 साल में 3 3। अच्छा 3 जा चुके, 3 की एवरेज है भाई 2 साल में। वहाँ के शरारती है बानर, यहाँ के तो कुछ नहीं करते, देखो बैठे है ना आराम से, कुछ नहीं करे। अभी मामू ने 1 किलो तुलसी की माला लेनी है। राधा गोविंद देव जी, बहुत डीप डीप दर्शन करवा दो मैं आपको। वहाँ पे गोपीनाथ जी के किए थे, ये गोविंद देव जी। अभी तो ऐसे ऐसे टेंपल भी हैं जहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं थी है, मतलब कितने टेंपल के दर्शन कर चुके हैं, और वो भी आज सिर्फ तेज़ी में है, जल्दी में, इसलिए गाड़ी में जल्दी जल्दी घूम के कर रहे हैं फटाफट। अभी गोवर्धन में जितने हो सकते हैं आज मैं आपको दिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ज़रूर आऊँगा आपको सारे के सारे जितने भी है ना टेंपल के दर्शन मैं ज़रूर करवाऊँगा। अभी हम आए हैं किलो वाली माला लेने के लिए मामू की, पता नहीं किसके लिए लेनी है मामू ने, उस वजह से मैं भी हाथ मार लूंगा थोड़ा। वो फेरने वाली माला देखना, जिसको बीट्स देखो इसको कितने बड़े हैं भाई। ये अपने इस्कॉन के भक्त जा रहे हैं देखो, फॉरन ड्रम बजाते हुए कॉन्गो, खुद कई हरे कृष्ण जप करते हुए। मामू ने ले लिया 1 किलो माला, 1 किलो तुलसी माला। जगन्नाथ जी का टेम्पल जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ आपको मैं फटाफट। सारे कोई फोटो ले रहे थे, मैंने कहा एक एक वीडियो देखने को मिलेगी आपको यूट्यूब पे, सारे की सारी अपलोड करूंगा जहाँ जहाँ गए हैं सब डालूंगा प्रभु जी। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप फोटो ले रहे हो ना, नहीं भी आ रही कहीं, हम जल्दी से निकल रहे हैं, तो चिंता मत करो सारी की सारी वीडियो अपलोड होगी। ब्रज की गलियाँ, वृंदावन में कुंज गलिन में राधे राधे गाएंगे, शाम शाम गाएंगे। वो वैष्णो के साथ यही चीज़ होती है, हम आते हैं नॉर्मल सीधा निकल जाते हैं, लेकिन ये परिक्रमा यहाँ से तुलसी महारानी के साथ इधर से ऐसे आते तो हम साथ सीधा भी निकल आते, लेकिन उनको पता होता है वैष्णो को कहाँ से जाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे रह के वीडियो बनाई, मैंने कहा आपको बता दूँ। यहाँ पे जो रिक्शा वाला होता है ना, उसके रिक्शा पे घंटी नहीं होती है, अगर हटाना होता है ना किसी को तो बोलता है राधे राधे। कैसे बोलते हैं यहाँ पे कोई भी किसी से बात करेगा किसी को, हाय हाय हेलो बिल्कुल नहीं चलती है, हाँ सिर्फ चलती है तो राधे 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 राधे। इतने महाप्रभु की बैठक है, यहाँ पे आके बैठ के श्री चैतन्य महाप्रभु राधा को शाम महाप्रभु की बैठक यहाँ पे, यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु बैठ के राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन किया करते थे। यहाँ पे ये राधा कुंड है, नहीं ये श्याम कुंड है, यहाँ पे ये श्याम कुंड है, वो सामने राधा कुंड है, राधा कुंड श्याम कुंड की जय। ये सब जो भी आपको दिख रहे हैं ना, इनकी सबकी स्टोरीज है। चलो चलो ये भी बता दूं, चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण दोनों का मिलित अवतार, मिलित अवतार है। जंगल में जानवरों को भी नचा दिया था हरि नाम के, हरि नाम के हरि नाम के द्वारा। सब मजा आता है, संग है ना साथ में, अकेले को क्या होता है यार, हम तो नल्ले हैं, हमें क्या पता है, संग है साथ में तो हम सब कुछ है। और साधु संग, साधु संग, संग साधु संग, सही बात है, वैष्णव का संग ये जरूरी है। अंतिम पड़ाव, तो अभी हम पहुंचे हैं राधा कुंड श्याम कुंड संगम में। यह है राधा कुंड और यह है श्याम कुंड, और अब आप लोग बोलोगे संगम कहाँ है, संगम हो रहा है, हाँ बस पीछे हरी बोल हरी बोल भाई, सब सबको मिल गया भाई सबको। ये देखो संगम ये हो रहा है, यहाँ से दिख रहा है ना आपको, वहाँ ये संगम हो रहा है। हेलो
जाओ ये वाला बढ़िया। अब हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए, अब हम यहाँ निकल रहे हैं, इस साइड से जा रहे हैं। अगर आप सभी ने दर्शन किए हैं राधा कुंड का तो कमेंट में लिख देना राधे राधे जिस जिसने कर लिया। आज के ब्लॉग में आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा ना। अब हम जा रहे हैं ये परिक्रमा कंप्लीट करके सीधा बरसाना में, बरसाना धाम कुंडेश्वर महादेव कुंडेश्वर। राधा कुंड के रक्षक हैं कुंडेश्वर महादेव के रक्षक है। हर जगह पे वृंदावन गोपेश्वर है। हाँ वृंदावन में गोपेश्वर है, मथुरा भूतेश्वर है, मथुरा में भूतेश्वर है, गोवर्धन सागलेश्वर है, गोवर्धन सांगलेश्वर है, और नंदगांव नंदेश्वर है, और काम्यवन कामेश्वर है। ये पांच शिव है भाई। मैं इसलिए रिपीट कर रहा था आपको लैंग्वेज ना समझ आए। आपने कब जब किया था यहाँ पे गली के चप्पे चप्पे का पता, चप्पे चप्पे का पता महाराज जी को। महाराज महाराज जी कौन से सन में आपने यहाँ पे जब किया था? 1989 में, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांति से देख रहे हैं बस, ठीक है। इधर उधर इग्नोर कर देते हैं मुझे। और वृंदावन में होते ना ये मुझे भूत, मेरा भूत बना देते भूत। अगर मैं वीडियो बना दी कैसे ली इनकी, मैंने फोन हाथ से ले जाते थप्पड़ मार के, बकायदा थप्पड़ जड़ के जागते हैं। मेरे को पता ना उनकी नहीं बना सकते आप वीडियो। चलते हैं यहाँ से बरसाना की ओर। तो बाद ना लो मामू बाहर काटती हूँ, तुम्हें चलाओ। मैं बस जैकेट लाता है, गर्मी बहुत लग रही है। चलिए सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा ही लग रही थी ठंड, और अब इतनी ठंड रही नहीं है। महाराज जी का भजन स्थान है ये, और राधा रानी का नानके, नानके ना नानके ननिहाल। वीरे क्या क्या नाम है, क्या नाम है इस गांव का? मुखराई मुखराई मुखराई, इस गांव का नाम है मुखराई। ये लो दर्शन करो गांव के, राधा रानी का गांव है ये। महाराज जी ने पूरा का पूरा वृंदावन सिर्फ साइकिल पे किया है, साइकिल पे किया है, पूरे साइकिल पे पूरा वृंदावन। ओहो पूछ भाई पूछ आगे, ये लोग अभी यहाँ पे जाना है। हाँ हाँ भाई पप्पी छोटे छोटे देख रहे हैं तुझे, कड्डो 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 कर। ओ आई कार रखे, कड्डो 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 तुसी। हाँ जी ओए बाय बाय। चलो भाई अब हम जा रहे हैं राधा रानी के निहाल में। ये कटा क्या होता है बच्चों? राधे 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 भैया राधे राधे। ये YouTube पे आएगा, YouTube पे देखते हो YouTube? Yes. देखते हो? Yes, भाई तो इंग्लिश तो मेरे को नहीं आती। Yes. ये राधा रानी का नाम क्या है? निहाल है ना राधा रानी का है। मेरे को दिखाओ मोड़ कहाँ है, रोटी मांगने को आ जाता मेरे को है, हाथ से खाना खा लेते हैं। आ जाओ दिखाने चलते हैं, आज हम मोर देखने जा रहे हैं। ओ बछड़ा छोटा सा, वो कह रहे हैं प्रभु जी कह रहे हैं ज्यादा चिक्के मत मारो इस जगह ही। आज सुबह आप पीछे हट जाओ, ठीक है पीछे हट जाओ। बहुत मेहनत की है ना मोर को, वीडियो बड़ी जबरदस्त बनी है भाई। अभी तो हम टाइम पे नहीं है, नहीं तो 10-15 मोर आते हैं यहाँ पे ना। बाल ठीक कर लो अपने, बाल ठीक कर लो आने चाहिए, बाल ठीक कर ले, बाल ठीक कर ले भाई, बाल ठीक कर ले ऐसे करके आने चाहिए भाई, बाल ठीक कर ले सही है ना। हाँ ठीक है आप सही आने चाहिए। क्या नाम है अच्छा आपका, नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है, इसका नाम दीपक। सचिन और दीपक राधे 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 राधे। वो देखो छोटे छोटे से बच्चे। ओए हाँ बोले। हाँ अच्छा तुम लोग ही खेल रहे थे यहाँ पे? यस सही है। और भी तो खेल रहे हैं मम्मी पे, बहुत क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं,
हम फिर कहीं और चले खेल लें गिल्ली डंडा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चल 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 देख कितनी तगड़ी बनाऊंगा मैं। देखिए शॉट गया है। चलो 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 चलो, अब हम भाई जा रहे हैं राधा रानी के ननिहाल से। ठीक है भाइयों, राधे राधे, आऊंगा फिर कभी। ठीक है ये ब्लॉग थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन देखना है सबने, पूरा देखना वृंदावन का ब्लॉग। हमारी गिरिराज की परिक्रमा यहाँ पे पूर्ण होती है कंप्लीट। बताओ हम चल रहे हैं बरसाना। गाड़ी रोक दिया हमने क्योंकि गाड़ियों की ना बहुत ज़्यादा मारा मारा है। देखो वहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे भाई क्या होता है, बाइक क्या लगी होती हैं 150-150 रुपये बंदा लेते हैं। यहाँ से ना पूरा जाम है तो जा नहीं रही गाड़ी, हमने गाड़ी यहीं पे पार्क कर दिया, यहीं पे लगा दी गाड़ी। अब हम जाएंगे ये बाइकों पे, बाइकें लेके जाती हैं ऊपर तक, देखते हैं 50 रुपये पर बंदा लेते हैं मेरे को पता है ये तो, बट देखते हैं क्या सीन होगा। भाई मामू ना टलते नहीं है, मामू बनाने लगे हैं रेट उनसे, वो खड़े हुए रेट बना रहे हैं। मैं तो जान रहा बीच में, वो बनाओ रेट। तो देखो गाड़ी यहाँ तक लगी, एक तो गई बाइक भाई हो गया बाइक के, और जाम देखना ये बाइकों का भाई फायदा है। देखो जाम गाड़ियाँ नहीं जाती यहाँ से, यहाँ से तो हम ही जाएंगे पूरे राधा रानी के महल तक। झूले दिला दिए झूले भाई, बाइकों ने यहाँ पे उतार दिया, ये भी एक टास्क था। और वैसे जो नहीं भी चल सकता उनके लिए ये भी सुविधा है, दर्शन कर लो कहते पहले दर्शन ना, अल्ट्रा क्लोज ना हो जाए। दौड़ दौड़ो, मैं तो दौड़ ही जाना, तुम भजो। राधे राधे राधे, राधा रानी का महल टोटी पे है, पूरा हाइट पे है, नीचे पूरा बरसाना दिखता है। देखो बाकी ऊपर से दिखाऊंगा मैं आपको। ओ भाई जय हो गए दर्शन हो गए, जय हो। सच में राधा रानी की फुल कृपा पूरी, बड़ा मुश्किल हो गया था पहले तो जाना, लेकिन बाद में भाई बहुत इजीली किसी थ्रू मंदिर चले गए और कृपा होगी भाई। ये देखो बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है राधा रानी का महल, सब नीचे हैं, हम सबसे हाइट पे खड़े हैं। वाह यार, अंदर तक बिल्कुल क्लोज दर्शन किए हैं, और बाहर बना नहीं दे रहे, बट फिर भी छोटा सा क्लिप हिम्मत करके बनाया। आप देखना दर्शन करना सारे के सारे, कृपा पाना कृपा राधा। ये राधा रानी का महल है, कितनी हाइट पे है, सच में निराश नहीं होने। बस मैं अभी चरणामृत लिया, ऐसे हाथ रख दिया सर पे, बस चिंता ना कर। चिंता किस बात की, राधा रानी जब है। बताओ जल खाबो, पीबो पीबो नहीं खाबो, जल भी खाबो, खाना भी खाबो, निःशुल्क जल से हम पी के आते हैं, वो लोटे में, लोटे में पीते हैं, लोटा लोटा नहीं, लोटा नहीं लोटा। मामू ले आओ, मैं त्रिली ले आ रही हूं। ओहो वाओ थैंक यू। राधा रानी के भी बिल्कुल क्लोज से दर्शन हुए, और दूसरा अभी हम जा रहे हैं
नॉन स्टॉप वृंदावन, वृंदावन में पहले कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद 4 बजे दर्शन ऊपर हो जाएंगे। अभी हो गया 1 बज गया, अभी ऑल्टर क्लोज है सारे के सारे। अब हम जाएंगे वृंदावन, वृंदावन में कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि खाया पिया तो कुछ नहीं हमने, उसके बाद सारे दर्शन करेंगे। ले भाई अब जाने को फिर तैयार भाई को पे बसाना श्री राधा रानी मंदिर। भाई बरसाने से निकल गए हम, अब जा रहे हैं वृंदावन। आजो आजो आंदो 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 आंदो। ये गाड़ी निकलेगा। अच्छा निकलेगा, ठीक है। बोर्डिंग वट पहुंचे भाई। यहाँ पे व्लॉगिंग मैं ध्यान से करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ना वानर सेना एकदम से आ जाएगी। और प्रभु जी चश्मा तो चौथा गेड़ा बजेगा आज। आपको पता है मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, मैं बता नहीं सकता। और सारा कुछ करके थके हुए हैं और भूख भी बहुत लग रही है। अभी यहाँ आपको पता है जालियाँ क्यों लगा रखी हैं? मंकी की वजह से। वो आते ही जो भी आपके हाथ में होगा, सर पे होगा, आँखों में, उतार के ले देंगे। और जब तक फ्रूटी ना हो तब तक देंगे नहीं। देखो भाई, वो जहाँ हम रुके थे रात को वो है गोवर्धन में मठ, वो कोई और मठ है, और ये है मठ वृंदावन में। ये इस्कॉन के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ पे सारे जितने दर्शन है सारे के सारे नज़दीक हैं। और लेकिन हमने मामू आज रात रुकना नहीं, रुकना आज तो रुकना नहीं है, जस्ट फ्रेश होने के लिए है। अगर हो सकता है थोड़ी सी देर का नैप ले लेंगे, उसके बाद हमने निकलना है आज। आपको बस दर्शन करवा देते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं, ठीक है। मेरे को यार एडिटिंग भी करनी है और रास्ता भी बहुत लंबा है। चलो मामू चला लेंगे गणेश। भाजे अरे ठीक है, चलो वो सही लग रहा है। पता नहीं देखिए कैसे लग रहे बहुत है भाई, बहुत है। 2-3 सब्जियां, चावल, रोटी है। ओके रोटा प्रसाद भाई, प्रसाद इतना टेस्टी था ना। और आपको पता है रूल है ये, दूसरा हाथ नहीं टच होना चाहिए, एक हाथ से ही ऐसे ऐसे फोल्ड। ये भाई देसी गाय है, प्योर देसी है, देसी गाय है। देखो देसी गाय। अभी मैं खुद नहीं जाऊंगा इसके पास, क्योंकि ना अगर जाऊंगा तो डर जाएगा, अपने आप आएगा ये। हाँ सूंघेगा पहले मेरे को, अपने आप आएगा ये, क्योंकि मैं जाऊंगा तो डर जाएगा यार ना। धीरे धीरे मेरे को अपना साथी बना लेगा। हाँ हाँ ओए ओ गुगलू, ओए इधर आ जा तू, भैया के साथ खेलने के बाद मैं आ गया था रूम में, रूम में आके आधे घंटे के लिए सो गया था बस। अभी निकल रहा हूँ दोबारा। अभी देखो सारे रेडी हो गए हैं, मैं भी चलता हूँ जैकेट पहन लेता हूँ, ऊपर से पहन लेता हूँ। अभी धूप चली गई है तो जैकेट पहनने में फ़ायदा है भाई अभी तो। और बाहर मैं कम बनाऊँगा वीडियो, क्योंकि बाहर ना मंकी वगैरह ज़्यादा हैं, वो उठा के फेंक देंगे। राजा रमन जी दिक्कत आई है। हाँ और एक और आतंक ऐसा है ना, थप्पड़ मार के लेके जाते हैं लोग बिना चश्मे के। प्रभु जी को भी देख लो, चौथा भी चला जाए, 3 तो जा चुके चश्मे। मैं तो महाराज के साथ साथ रहूंगा, रुक जाओ भाई, रिस्क ले रहा हूँ मैं, रिस्क इसे इसी बात पे सब्सक्राइब करो भाई। वो देखो वो एक चश्मा ले गया, वो ले गया एक चश्मा, ठीक है। और इसको फ्रूटी दिया, ओ दे दी फ्रूटी, छोड़ दिया चश्मा, छोड़ दिया वो, छोड़ दिया चश्मा, वो छोड़ दिया फ्रूटी दे दी ना, वो पकड़ लिया दूसरे ने, ये छोड़ दिया चश्मा। देख रहे हो यहाँ ऐसे होता है, बड़ा चुपके से बना रहा हूँ मैं वीडियो, कहीं मेरा भी काम कर दे चेतन भाई। देख शिकार, बस शिकार में बैठे सारे।
हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा हरे कृष्णा। अच्छा ये भाई मदन मोहन मंदिर है और यहाँ से उठा के जयपुर तो भी आगे करौली चले गए। तो हुआ क्या स्टोरी कर देना दो मिनट। अब ये लंबी स्टोरी है, ऐसे बता दो ना, मैं फिर बाद में बता देंगे। राजा मदन मोहन जी पहले यहाँ थे, मुसलमानों के समय जब हमला किया तो यहाँ पे पुजारी जी उनको छुपा के जयपुर में ले गए। तो जयपुर में भी जहाँ पे वो सेवा कर रहे थे तो जयपुर के राजा और उनकी बेटी दोनों मदन मोहन जी से बड़ा प्रेम करते थे और उनकी सेवा करते थे। पर जब उनकी बेटी की शादी का समय आया तो बोलता क्या चाहिए, तो बेटी बोलती मैं तो ठाकुर जी को साथ लेके जाऊंगी। जब ठाकुर जी को साथ लेके जाना था उसने तो कहते हैं तू सब कुछ ले जा राजपाट पर, ठाकुर जी को नहीं बुला। फिर उन्होंने बहुत सारे विग्रह राजा मदन मोहन जी के बनाए, बहुत सारे बनाए, तो बीच में से बोला कि तू जिसको पहचानेगी तो उसको ले जाएगी। और आंख में पट्टी बांध के, शॉर्ट में बता रहा हूँ, आंख में पट्टी बांध के एक रूम में बंद कर दिया, कहते जिसको तू हाथ लगाएगी कर दो। मूल विग्रह भी रख दिया और बाकी विग्रह भी रख दिया। तो जब वो भी प्रेयर कर जी मानते, जब वो गई उनके सामने, जब मूल विग्रह के सामने गई तो भगवान राधा मोहन ने खुद उनका हाथ पकड़ लिया। अच्छा फिर जहाँ शादी हुई वो करौली के राजा के से शादी हुई, राजा के बेटी शादी हुई तो करौली चले गए भाई। वहाँ दोनों ने भी सच भरी सेवा की। ठीक है भाई, वाला रहा इसलिए डर डर के कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ओपन में। ठीक है ना, ये ओपन है समझ। ये इमली तला है, 5,500 वर्ष पुराना इमली का वृक्ष। महाप्रभु बैठ के भजन किया करते थे। हरा था महाराज, कह रहे हमारे सामने हरा था। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बैठ के इसके नीचे भजन किया करते थे। और अंदर ना फोटो खींचना मना है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो हर चीज़ में लीला है, सारी लीला है, एक एक लीला है। ये ऊपर भी वो नरसिंह भगवान की लीला है, हर लीला है ये। एक एक फोटो खींचना में मना है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा दिखाता हूँ जूम करके। चलो चलते हैं इमली तला। भाई इमली तला से हमने लिया ई रिक्शा और ई रिक्शा से अब जा रहे हैं राधा रमन, साथ में यमुना जी हैं। ये देख रहे हो, ये सारा राधा रमन की गली है, कितना पुराना बना हुआ है। प्रसाद लेके बस अभी खड़े हैं। सर साक्षात अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे। सर सुंदर स्वरूप कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ ऐसा सब किधर नहीं है। हाँ कितने नहीं, ये किचन है प्रभुपाद जी की। जय हो। ये सामान यहाँ पे क्या करते हैं प्रभुपाद जी? यहाँ पे प्रभु जी प्रभुपाद जी के लिए रसोई किचन में बोले को वहाँ बैठे हैं। जैसे प्रभुपाद जी वो यहाँ की परिक्रमा कर रहे हैं, जो सारी समाधि हैं। अब हम जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। अब थोड़ी थोड़ी दुकानें बंद होनी स्टार्ट हो गई हैं और कोहरा भी स्टार्ट हो गया है। हम सुबह से लगे हुए हैं दर्शन करने और आप भी कर ही रहे हो साथ में। बस अब बिहारी जी के चलते हैं भाई। बिहारी जी के अभी भोग लग रहा है, वहाँ पे भीड़ देखो, रश भक्तों का अभी। और इतनी दूर से वहाँ थे लास्ट में, अभी यहाँ पे आ गए हैं। बस दर्शन खुलने वाले हैं, दर्शन की वेट कर रहे हैं सारे के सारे। बिहारी जी के लिए भीड़ लगी हुई है, ये लास्ट दर्शन है आज के। उसको शयन आरती और सो जाएंगे सर, फिर रात के लिए जाएंगे। यहाँ की मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि वो मोबाइल बंद करने के लिए बोल रहे हैं। तो यार ठीक है, यहाँ पे क्यों वो काम कर रहा है ना, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाता मैं अभी।
तो बस दर्शन करके यहाँ से चलते हैं। प्रसाद मिला, तुलसी मिली, बहुत बुरा हाल हो गया, लेकिन इतनी भीड़ है ना, ये देखो जैसे दर्शन खुलते हैं ना, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। प्रसाद मिल गया, तुलसी मिली, बिहारी जी की कृपा है। चलो मामू आ चलो। सबसे टफ दर्शन है बिहारी जी के, सबसे टफ है, बुरा हाल कर देते हैं बंदे। फंस गया था ना, तो फंसा बड़ा था, तो दुआ की कृपा से मिला प्रसाद और तुलसी की माला आई। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से, प्रसाद ले लिया, फिर निकलते हैं। अब मठ जाएंगे, मठ से प्रसाद पाके फिर निकलेंगे आगे। रोजी कह रहे दूध बहुत है, खत्म करना है। मैंने कहा प्योर दूध है, रोटी के साथ ही खाते होते दो दूध। चार गई और कितने देसी, नो मिलावट, बिल्कुल प्योर दूध। थके बड़े हैं सारे, टूटे बड़े हैं और सोच रहे हैं कि रुक जाएं, लेकिन अब प्लान बन रहा है जाने का। और मामू कह रहे हैं जहाँ पे कोई सोया है मैं वहीं पे गाड़ी रोक दूंगा, कह रहे क्योंकि थके तो वो भी पड़े हैं भाई, आज पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकले हैं। नारी करते हैं भाई, कर देंगे। और महाराज जी भी बोल रहे हैं, महाराज कह रहे हैं जो, और हमने कहा पता नहीं। मामू शरीर का टूटा हुआ है, गंदी तरह मजाक नहीं कर रहा, बहुत टूटा हुआ है। रास्ता मिलेगा कोई राज आगे? हाँ देख, मैं तो मामू मैं कितने सोचता है, मैं 3 बजे एडिटिंग करके फिर 4:30 बजे कर लेना एडिटिंग की थी मैंने। अब अगर जाऊंगा मैं सोऊंगा नहीं, मैं एडिटिंग करने लग जाऊंगा अपनी। पता नहीं भाई क्या प्लान बनता है, अभी मामू पे छोड़ दी मैंने तो बात, जो होगा देखा जाएगा। तो बस दिक्कत यह कोहरा बहुत है बाहर, देखा जाए ना कितना सारा है। हाँ चलो भाई अभी लेते हैं विदा। वृंदावन जी महाराज जाएगी, महाराज बिहारी जी चल रहे हैं, चलते हैं भाई अब चंडीगढ़ की तरफ प्रस्थान करते हैं। ओ भाई धुंध देखना, भाई धुंध देखना यार, ओ शिट भाई ये धुंध है। मैं गाड़ी लगानी है चंडीगढ़, निकलना मुश्किल हो गया, मैं तो शूज ही नहीं पहने हुए भाई। गाड़ी चलेगी नहीं यार, ये तो मेरे को ही नहीं दिख रहा आगे कुछ। चलाइयो ना गड्डी, गड्डी ना चलाइयो, गड्डी ना चलाइयो, मैनू नहीं दिख रहा कुछ। मैं कर दूंगा कोई गल नहीं भाई, अभी एक्सप्रेस वे पे रुके हुए हैं और बोल रहे थे कोई नहीं सोएगा, सारे लटके पड़े हैं, गाड़ी रुकी हुई है अभी और मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। ये देखो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, नींद मुझे भी आई थी हल्की सी, नींद आई, मैंने एडिटिंग कर लेता हूँ, फिर सुबह आराम से सो जाऊँगा, घर पहुँच तक पहुँच सो जाऊँगा। सब एक ऊपर चित्त है भाई। बस अभी मामू ने हमें ड्रॉप किया, मैं ये नहीं बोल सकता मामू को ड्रॉप किया क्योंकि वही चला रहे थे गाड़ी, तो बस वो खुद को ही उन्होंने अपने आप को ड्रॉप किया है। और हम जा रहे हैं अभी ड्रॉप जी को छोड़ने, साहिल ब्रो को, साहिल ब्रो जाएंगे। मेरे को बहुत नींद आ रही है, सभी बस आँखों में नींदें रड़क रही हैं बहुत बुरी तरह। उसके बाद मामू को ड्रॉप करके मैं चला जाऊँ घर, और घर जाके सो जाऊँगा, नहीं थोड़ी वीडियो एडिट करनी है वो रहेगी है ना। तो चलो मिलते हैं हम घर पे, बने रहना वीडियो में लास्ट के कुछ पॉइंट। और वो देखो कितना ज़्यादा है कोहरा, और अभी टाइम देखो 9 बजने वाला है, नौने बहुँ हैं। और रात को हम चले थे मेरे ख्याल से 11 बजे करीब चले थे, है ना, 11 बजे करीब निकले थे, और 9:30 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि हम रुकते हुए आए हैं 2-3 जगह, रुकते रुकते एक एक घंटे का ब्रेक लेके आए हैं, नींद आ रखी थी गाड़ी में सो जाते थे, फिर पहुँचे हैं अब जाके चंडीगढ़। तो भाई सबको ड्रॉप करने के बाद मैं आ गया हूँ घर पे, और जैसे ही आप देख रहे हो टाइम हो गया है 10:15, अभी भी एडिटिंग के लिए बैठा हूँ, मैं तो एडिट कर रहा हूँ व्लॉग अपना, ताकि आप लोग 6 बजे एग्जैक्ट देख सको मेरा व्लॉग। मेहनत पूरी कर रहे हैं यार, लगे हुए हैं, और नींद इतनी आ रही है ना कि अभी बस मैं लेट जाऊँ, इतनी नींद आ रही है। तो चलो आज पूरा दिन ही सफ़र में निकल गया, दिन क्या पूरी रात निकली सफ़र में, रात को 10:30-11 बजे चले थे, और सुबह घर पे मैं पहुँचा हूँ 9:30-10 बजे, 9:30 बजे तक पहुँचा हूँ। अब एडिटिंग कर रहा हूँ, थकान पूरी हो रखी है, बस मैं लेटूंगा फिर उठते हैं दोपहर में, फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन के लिए करते रहना, तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्ण।